हेलो हेलो भैया, आप OLX पे वो रॉयल एंड अपना वो बुलेट का ऐड डाले हो क्या भैया? वो 500 CC वाला। हाँ भैया, डाला हूँ ना भैया। हाँ भैया, आप फाइनल कितने में दोगे भैया? फाइनल भैया जो रेट डाला है ना OLX में, उससे 1-2 हज़ार ही कम कर पाऊंगा भैया, ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। भैया 1.5 लाख तो बहुत ज़्यादा है भैया, वो 50 हज़ार में तुरंत ले लूंगा भैया, कैश के साथ। 50 हज़ार में इसको बुलेट चाहिए, इसको मैं देता हूँ भैया। 50 हज़ार तो भैया बहुत कम हो जाएगा भैया। आप एक काम करो उसको भैया 51 हज़ार कर दो भैया, 1 हज़ार रुपए के लिए मेरी बात रख लो भैया। 51 हज़ार भैया, मैं तुरंत आ जाता हूँ ना। तुरंत आ जाओ भैया, तुरंत आ जाओ। व्हाट्सएप में लोकेशन भेज रहा हूँ, 8-10 लोग आ रहे हैं भाई बाइक देखने के लिए। तुम आ जाओ, मैं तुमको दे देता हूँ भाई 51 हज़ार। किसी को मत भेजना भैया, मेरे लिए फाइनल रखो। हाँ भैया। हेलो भैया, भैया मैं OLX वाला बोल रहा हूँ, आकाश। हाँ भैया, मैं निकल रहा हूँ घर से। अरे भैया जल्दी निकलो, 1-2 दिन और आ रहे हैं देखने के लिए। जल्दी निकलो, 1-2 दिन और आ रहे हैं बाइक देखने को। नहीं भैया, किसी को मत देना, मैं तुरंत 2 घंटे में पहुंच रहा हूँ भैया। जल्दी आ, जल्दी आ, जल्दी आप लोग रोक रखा हूँ भैया गाड़ी को। हाँ भैया। हेलो भैया, मैं बस 15-20 मिनट में पहुंच रहा हूँ भैया। अरे भैया जल्दी आइए, और भी लोग खड़े गाड़ी लेने के लिए। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही। मेरे बाबू ने था ना बेबी, 1 मिनट रुकना, एक छुट्टी का फोन आ रहा है। हेलो। हाँ भैया। अरे भैया मैं पहुंच गया वो लोकेशन में जहाँ आप भेजे थे। अरे भैया आपको तो लेट हो गया भैया, मैं गाड़ी बेच दिया भैया। बिक गया भैया? एक जन 51-500 रुपए बोला भैया, मैं बोला 500 रुपए कमा लूंगा भैया सुबह सुबह। अरे भैया मैं 200 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ यार। भैया आप एक काम करो, वापस चले जाओ भैया। भैया OLX में आप ऐड डाले हो क्या आईफोन का? यस ब्रो। हाँ आईफोन डाला है मैंने। हाँ भैया मैं इंटरेस्टेड हूँ लेने में। ओके भैया, अपन क्या आजू बाजू में रहते भैया, थोड़ा सा आ जाओगे क्या भैया? कोरोना के कारण घर वाले से निकलने नहीं दे रहे भैया। ओके ब्रो, आई एम कमिंग ब्रो। हाँ भैया मैं ही हूँ, फोन लाए हो? देखो ये लो भैया। तो चार्जर लाए हो? चार्जर इसका और डब्बा नहीं लाया। अरे कहा भैया, रुको मैं अपनी बहन को दिखा के आता हूँ भैया, तुरंत आना। ये मेरा घर है, मैं तुरंत दिखा कर आया अपनी बहन को। अरे आप कहाँ रहे हो भैया? मैं भी चल रहा हूँ ना आपके साथ, आपकी बहन को दिखाने। अरे मेरी बहन, आप तो शक्ल देख के मेरी बहन नाराज हो जाएगी। रुको रुको, आप थोड़ी बाहर सबर नहीं हो रहेगा आपको? बैठो ना, 2 मिनट आ रहा हूँ ना दिखा के। भैया जल्दी आना। नमस्ते भैया। कौन भाई? भैया वो आपके भाई गए ना अंदर, फोन लेके गए ना भैया मेरा आईफोन। कौन सा फोन? कोई भाई नहीं है मेरा, यहाँ अकेले रहता हूँ मैं। अरे भैया मेरे आँख के सामने गए भैया, अभी एक भैया टोपी पहने थे, वाइट रुमाल बांधे थे। टोपी रुमाल? अरे भाई तेरा चूतिया बना दिया है वो, इस हफ्ते का 5वां लड़का है तू। क्या बात कर रहे हो भैया? अरे यार मेरा आईफोन लेके गए भैया, अभी OLX से मैं आया हूँ। सबका मोबाइल लेता है और पीछे वाले गेट से भाग जाता है। अरे लग गए। हेलो। हाँ भैया OLX में ऐड डाले थे क्या गिटार का? हाँ डाला हूँ भैया, आ रहा हूँ भैया लेने। जल्दी आ जाओ भैया। पापा मैं गिटार बेचने जा रहा हूँ। ये क्या था भैया, ऐसे मत डराया करो यार। ये लो गिटार चेक कर लो। भैया ये गिटार तो बजता ही नहीं है, तो खराब है। तो भाई मैं कब बोला ये बजता है? मैं तो आपको कॉल करके पूछा था ना, गिटार बेच रहे हो कि नहीं बेच रहे हो। मैं क्या बोला था भाई? मैं बेच रहा हूँ, OLX पे ऐड डाला हूँ मैं, ये नहीं बोला था भाई बजता है। यार यार तुम तो यार अजीब चुतिया बना दी, मैं नहीं लूंगा ये गिटार। अरे तू क्या भाई, कोई नहीं लेगा ये गिटार को, रोज एक एक आते हैं इसको देखने के लिए, समझा? कोरोना चल रहा है भाई शहर में, मेरा बाप मेरे को एक तो निकलने नहीं दे रहा है। तो भैया मैं ही मिला क्या आपको चुतिया बनाने के लिए? आज तो भाई तू ही मिला।
रॉबर्टो रूम रेंट पे देना है क्या अंकिल आपको? डाले हम रेंट पे अंकिल, एड्रेस व्हाट्सएप कर दो अंकिल। हाँ बेटा अभी कर देता हूँ। अंकिल या अंकिल ओलेक्स में बात हुई थी ना रूम रेंट के लिए? अच्छा आओ तुमको ना मैं पूरा घर दिखा देता हूँ जैसा तुम बोले थे वैसा ही। रुको रुको रुको, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, घर लेने से पहले मेरी कुछ कंडीशन है अंकिल। अरे बाबा घर में देखने लायक कुछ है ही नहीं, ये तुम्हारा हॉल है और ये बेटा बाथरूम है, यहाँ हकना मुतना सब होगा। अब तुम्हारा कंडीशन बताओ अंकिल। जैसा कि आप मुझे जानते ही होंगे मैं हूँ यूट्यूबर अंकिल, तो मैं इस जगह को अंकिल अपना ऑफिस बनाने जा रहा हूँ। अच्छा बाबा तो तुम इसका ऑफिस बनाएगा? हाँ अंकल, इसको अपना पूरा ऑफिस बनाएगा। और अंकल मेरा सिर्फ तीन ही कंडीशन है। पहला कंडीशन है अंकल कि यहाँ पे दिन रात 24/7 शूटिंग चलेगा, लड़की आएगा 2 बजे भी आएगा और 3 बजे भी आएगा, 4 बजे भी आएगा, और अंकल आप रोक नहीं सकता है उस चीज को अंकल। अच्छा अच्छा, क्यों पता आपको? मैं आपको 1 तारीख को टाइम पे रेंट दे देगा। अच्छा बेटा दूसरी कंडीशन बताना। और अंकिल मेरा दूसरा कंडीशन ये है अंकिल कि इधर 24 घंटा जब शूट चलेगा तो अंकिल स्ट्रेस हो जाते हैं, तो उसके लिए मैं चरस गांजा अफीम सब कुछ करता हूं। और अंकल आप मेरे को कुछ नहीं बोलेगा, नशा के लिए भी नहीं रुकेगा। अच्छा अच्छा, पता है क्यों? क्योंकि हम आपको 1 तारीख को रेंट दे देगा। अच्छा और तीसरी कंडीशन बता ना बाबा। और अंकिल हमारा तीसरा कंडीशन ये है अंकिल कि इधर चलता है 24/7 शूटिंग। अब इधर क्या शूट चल रहा है, कैसा शूट चल रहा है, कौन सा सीन चल रहा है, कभी भी आपको अंदर आना है, आप बिंदास अंदर आ सकते हैं, लेकिन अंकिल आपको नॉक करके ही आना पड़ेगा। पता है क्यों अंकिल? क्योंकि हम आपको 1 तारीख को रेंट दे देगा। तुम्हारे तीनों कंडीशन आपको बहुत जमा रे बाबा। एक काम करता है बेटा, हम तुम्हारे लिए यहाँ पे ना एक हुक्का का पॉट लगवा देता है, वहाँ पे टेबल लगवा देता है ताकि तुम जब चाहो खींच लो, है ना। और वहाँ बिस्तर लगवा देता है एकदम अंधेरा वाला बेटा, ताकि तुम जब चाहो अपना शूटिंग करते रहो, है ना बेटा। अंकिल ये क्या बात कर रहे हो अंकिल, आपने दिल खुश कर दिया अंकिल। अंकिल आप तो गॉड के दूसरे रूप में, हम आपको 2 गुना रेंट देंगे अंकिल हम। ये को कोटा लगता बेटा तुमको? कोटा लगता? हम रूम रेंट पे देता है, कोटा नहीं देता। जब चाहे शूटिंग करेगा तो निकलो साले, निकलो निकलो।